नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है और कोई भी मजाक की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं हमारे चक्र, हमारे ग्रह और हमारी किस्मत इसमें हमारा साथ देती है, कभी साथ नहीं देती। तो जो भी काम हम करते हैं उसका हमें पूरा फल मिले, इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यह उपाय बहुत ही सरल है, नींबू और लौंग से आपका ये उपाय हो जाएगा। इस उपाय से आपके उन्नति के द्वार खुल जाएंगे, पैसों की बौछार हो जाएगी और महालक्ष्मी खुश हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस साधारण उपाय को कैसे करना है। इस उपाय के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो हमें एक नींबू चाहिए जिसको आप बीच में से काट लीजिए, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, और दूसरा हमें 10 लौंग चाहिए। याद रखिएगा, लौंग बिल्कुल सही होने चाहिए, उनका फूल साथ में होना चाहिए। हमें इस उपाय को करने के लिए घर के मंदिर में बैठकर महालक्ष्मी जी का जाप करना है, और करते करते हमें इस नींबू के अंदर, जो आधा नींबू है उसके अंदर 10 लौंग को चुभा देना है अंदर की ओर, और इस तरह से आपको महालक्ष्मी का जाप करते 10 के 10 लौंग नींबू के अंदर लगा देने हैं। और यह उपाय आपको सूर्य अस्त के टाइम पर, शाम के टाइम पर मंदिर में शनिवार को करना है। ये आपको हर शनिवार करना है, और इस उपाय को करते समय आप महालक्ष्मी जी का जाप करें और देखिएगा कि आपकी किस्मत कैसे चमकेगी और महालक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी। और जैसे ही अगला शनिवार आए तो आप उस नींबू को महालक्ष्मी जी के मंदिर में चढ़ा आएं और नया नींबू इसी तरह से उपाय फिर कर लें। यह उपाय बहुत लोगों ने किया है और उनको बहुत फायदा हुआ है। आप भी इस उपाय से महालक्ष्मी जी को खुश कीजिए और अपनी सोई हुई किस्मत को जगाइए। और ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही उपाय जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।